खबरों में बात करते हैं ललितपुर के, जहां पर बहू ने जेठ की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। वहीं युवक अपने खेत पर अदरक के फसल की रखवाली कर रहा था। वहीं सूचना पर पुलिस ने आरोपी बहू को हिरासत में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मेरा नाम है जगवान। क्या हुआ? हमने सवेरे जी काकी और एक बहू गई भी अदरक नो परी हती, सो उनने टेरे सवेरे बिल्कुल सवेरे कई भज्जा भज्जा कोई ना का होगा, सो सब आदमी बाहर के गए देखे, सो उसको तीन कुलाड़ी के घाव, एक यहाँ एक इतना एक इतना, बस पूरे पूरा भर जुड़ गो जी। देखा किसने की? ससवाल सनोप ध्रुव, उसने रान दिया पुलिस के सामने, सबके सामने आदमी रिश्तेदार आने, एक उसके लड़का में लठ भी मार दो, मतलब उसी के लड़का जो मर गया केरन के लड़का में अरविंद में लठ मारा सभी जनता के पास सामने। हाँ लठ यहाँ यहाँ गले ये कौन सा गाँव है? ये है बड़ौदा स्वामी। नाम क्या तुम्हारा? मेरा नाम अरविंद है साहब। मेरे पिताजी को गुरु चाची ने कुल्हाड़ी के मार दिया है सर। पिताजी बगीचा में रखा भी गए थे, अदरक रखा भी गए थे साहब। किस गांव घटना है? बड़ौदा स्वामी की। क्यों मुझे कोई जानकारी है? नहीं साहब कोई जानकारी रानी है उन्हें जिनने मारे हो नहीं रानी के मतलब हमने मारे है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा साहब मैंने मारी है कुल्हाड़ी से। तो क्यों मारा? मुझे ये मालूम नहीं है साहब क्यों मारा, लेकिन एक एक पागल हती एक लठ मुंह में भी दो साहब सवेरे। कायमगंज में बीते 14 नवंबर को किसान सहकारी चीनी मिल की पिराई सत्र का उद्घाटन जिला अधिकारी मानवेंद्र सिंह ने फीता काट कर किया था, मगर किसानों द्वारा गन्ना न पहुंचाने के कारण पिराई शुरू नहीं हो सकी। आज लगभग गन्ने की 40 ट्राली पहुंचने के बाद चीनी मिल की पिराई का काम शुरू हो सका। एक साल जो है फैक्ट्री को रूटीन में आने में एक हफ्ते का समय लगता है। ये 14 तारीख को शुभारंभ हुआ है, 16 तारीख को शाम को 6 बजे फैक्ट्री चला दी गई है। 6000 क्विंटल गन्ना क्रश हो गया है। किसान जो है जब उसको पर्ची मिलती है तो दो एक दिन तो उसे आदमी ढूंढने में लगते हैं, फिर उसे ट्रैक्टर के इंतजाम में लगते हैं। एक हफ्ते बाद ही वो भरपूर गन्ना ला पाता है, तभी ये रूटीन में आती है। कोई टेक्निकल ब्रेकडाउन नहीं है। गलत है, गलत है कहना, गलत है। आप खुद देख सकते हैं गेट पे कितना गन्ना। केयर हॉस्पिटल की तरफ से सिसोनी में फ्री चेकअप शिविर लगाया गया, जिसमें फ्री शुगर, दिल की ECG और अन्य जांच और फ्री दवाई भी दी गई, जिसमें लगभग सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक कैंप चलाने की बात कही गई। वही 12 बजे तक 183 मरीजों की संख्या हो चुकी थी। जो महिला कमेटी है ये सामाजिक कार्य भी बहुत निरंतर रूप से करती रहती है। जो हमने मेला कराया था उसमें हमने डॉक्टर साहब ने जो है हमारे जितने भी सुशांत क्षेत्रवासी हैं और जो कल्याणपुर के हैं उनको जो है दवाइयाँ निःशुल्क और OPD के लिए घोषणा कर रखी है, तो जो है लोगों तक ये पहुँच नहीं पा रही थी आवाज़, तो इसलिए मैंने डॉक्टर साहब से निवेदन किया कि जो है मेला कमेटी के हम सभी सदस्य गए थे, हमने निवेदन किया कि जो है डॉक्टर साहब एक बार आप हमारे क्षेत्र में कैंप लगाएं जिसमें जो है दवाइयाँ फ्री हैं, OPD जाँच फ्री है और जो है शुगर जाँच फ्री है, ECG फ्री है, तमाम जितनी भी सुविधाएँ जन तक पहुँचा सक रहे हैं कमेटी के माध्यम से पहुँच रही है। और जो है मैं केयर हॉस्पिटल सितारगंज की तरफ से लगाया गया है, जिसमें सहयोग रहा है मेला कमेटी सिसोना की तरफ से। इस कैंप में ECG दिल की जाँच निःशुल्क की जा रही है, दवाइयाँ फ्री बांटी जा रही हैं, शुगर की जाँच फ्री की जा रही है, बस फिजियोथेरेपी सिकाई कोई फ्री की जा रही है। हमारे 3 डॉक्टर का पैनल यहाँ बैठा हुआ है, डॉक्टर हरजिंदर सिंह मैं हूँ, डॉक्टर कंचन हैं, डॉक्टर SP भास्कर, और सुबह से अब तक लगभग 185 मरीज दिख चुके हैं। ये कितने रहेगा? 10 बजे से लेकर 3 बजे तक हर संडे कैंप करेंगे, लगातार गाँव गाँव जाकर कर रही है, फ्री सेवा कर रहे हैं लोग। और सिसोना कल्याणपुर के लिए हमने वैसे भी OPD फ्री कर रखी है। जाने का ECG दिल की जाँच जो हम गाँव गाँव पहुँचा रहे हैं वो भी निःशुल्क कर रहे हैं। सितारगंज के मुख्य चौराहे पर आज राजकीय महाविद्यालय सितारगंज छात्रों ने SSJ के कैंप अल्मोड़ा प्रशासन के छात्र संघ ने अल्मोड़ा पुलिस प्रशासन का, जिसमें छात्र संघ विशाल श्रीवास्तव और दिवेश कुमार ने बताया कि SSJ कैंप अल्मोड़ा में जो भाई दीपक उपरेतो को पद से निलंबित किया गया, वे अल्मोड़ा पुलिस प्रशासन द्वारा उनकी गिरफ्तारी की गई। इसके विरोध में हम सभी ने आज सितारगंज के मुख्य चौराहे पर विरोध प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया। पार्टी की ओर से जो अल्मोड़ा कैंपस में जो घटना हुई है उसको देखते हुए पूरे प्रदेश में तमाम छात्र छात्राओं में बड़ा आक्रोश है, और आज विद्यार्थी परिषद की पूरी टीम ने SSP कैंप अल्मोड़ा का प्रशासन का यहाँ पुतला दहन किया है। और जैसे दीपक उपरेती जी के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, उन्होंने छात्र हित की बात की तो उनको
वार्ता के बाद इनको जेल में भेज दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं छात्रों के साथ हितों के साथ हनन किया जा रहा है। और मैं पूरे वादे के साथ कहता हूँ कि अगर दीपक उप्रेती जी को कहीं न्याय नहीं मिला तो पूरे प्रदेश में, पूरे देश में ऐसे आंदोलन चलते रहेंगे और कहीं ना कहीं छात्र जो संघर्ष कर रहे हैं और संघर्षों की आवाज़ को अगर उनको इस तरीके से कर दिया जाएगा, जिन्हें पद से निलंबित कर दिया गया, देख रहे हैं आप लोग सभी लोग, तो मैं बता देना चाहता हूँ अल्मोड़ा कैंपस के जो प्रशासन शासन है उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि यदि ऐसी घटनाएं चलती रही और जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा तो पूरे देश में इसी प्रकार आंदोलन चलते रहेंगे और अल्मोड़ा ही नहीं पूरे देश में, पूरे उत्तराखंड में ऐसे हम संघर्ष करते रहेंगे। और दीपक उप्रेती के साथ हम उनके साथ हैं और आंदोलन में उनके साथ रहेंगे और जो भी आंदोलन होंगे तो SSB कैंप अल्मोड़ा शासन प्रशासन इसका जिम्मेदार होगा। भारत माता की जय। तो राजकीय महाविद्यालय सितारगंज के छात्र छात्राओं ने सितारगंज के मुख्य चौराहे पे जो पुतला दहन किया गया है, ये SSA कैंपस अल्मोड़ा प्रशासन का पुतला दहन किया गया है, वह पुलिस प्रशासन का पुतला दहन किया गया है। क्योंकि क्या है, जो वहाँ के निवर्तमान शासन अध्यक्ष है उन्होंने महाविद्यालय के छात्र छात्राओं के लिए आवाज़ उठाई थी, जिस आवाज़ को दबाते हुए वहां के प्रशासन ने उनको उनके पद से निलंबित कर दिया, जिसको देखते हुए वहां के और भी कई छात्र संघ पदाधिकारियों ने अपने पद से इस्तीफा दिया। ये जो आक्रोश देखने को मिल रहा है आज, ये आक्रोश पूरे प्रदेश में हर छात्र छात्रा की जवान पे भाई दीपक उप्रेती का नाम चल रहा है, उनको न्याय मिलना चाहिए। और इसी सब को देखते हुए राजकीय महाविद्यालय सितारगंज के छात्रों ने अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए SSA कैंपस अल्मोड़ा का पुतला जलाया है। वह हमने मांग की है सरकार से जल्द भाई दीपक उप्रेती को न्याय मिलना चाहिए और उनको दोबारा उस पद पर आना चाहिए। भारत माता की जय। वंदे मातरम। भंडारा के सिहोरा में युगांधर युवा और संस्कृति क्रीड़ा मंडल की ओर से महाराष्ट्र हाई स्कूल सिहोर के ग्राउंड पर कबड्डी खेल आयोजित किया गया, जिसमें अलग अलग जिलों से प्रतियोगिताओं ने इसमें भाग लिया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए युगांधर क्रीड़ा मंडल काफी सालों से अग्रसर है।